फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और हम लोगों का लंच वगैरह हो चुका है। लंच में बनी थी दाल रोटी और चावल, तो बस वही अभी अभी मैं लंच करके आती ही जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ जो मैंने कल नींबू मंगाए थे उसका अचार बनाने के लिए। और वो नींबू मैंने मार्केट से नहीं मंगाए हैं, यहीं के हैं, गांव के ही, मतलब ताई जी के खेत में लगे हुए हैं, तो उन्हीं ने तोड़े थे। काफ़ी लगते हैं उस पेड़ में, हमेशा फल लगा ही रहता है। और फ्रेंड्स, ये रहे वो नींबू जो ताई जी ने तोड़े थे, तो चलिए चलते हैं इनका बना लेते हैं अचार। और ये पता, जो कांटे होते हैं ना नींबू के, तो वो ना इस फलों में लगते रहते हैं, चुभते रहते हैं, तो उन्हीं कांटों के निशान बन गए हैं। और धुले हुए तो ये पहले से ही रखे थे, जब टूट के वहाँ से आए थे पेड़ से, फिर मैंने धुलकर साथ ही साथ रख दिए थे। तो फिर मैंने अब नहीं धुले हैं क्योंकि वो धुले हुए थे। और मैंने यहाँ पर दो दो भागों में करके काट लिया है, और साथ ही साथ मैं इनके बीज निकालती जा रही हूँ, क्योंकि बीज अगर अचार में रह जाता है तो कड़वा लगता है। और यहाँ पर दो दो पीस मैंने नींबूओं के करती जा रही हूँ, और अगर जो बड़े होंगे ना उनके 4 पीस कर दूँगी, लेकिन अभी तो दो दो पीस ही हैं। और जो छोटे होंगे उनको रहने दूंगी, उनके 4 पीस नहीं करूंगी, क्योंकि वो तो वैसे भी छोटे हैं, बड़े थोड़ी वैसे हैं, तो उनके पीस और कर दूंगी। और यहाँ पर मैं 4 पीस किए दे रही हूँ, और ये बीज भी निकल आए हैं इतने सारे। और यहाँ पर हमारे नींबू कटकर तैयार हो चुके हैं, और 4 पीस भी मैंने कर दिए हैं, और छोटे को नहीं काटा है, छोटे वैसे ही रहे हैं 2 पीस। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इनका जो रस है नींबू का, वो निकाल लिया है। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया है, और जो चावल वाली चलनी होती है उसमें, उसी चलनी में मैंने नींबू काट कर डाल दिए हैं और कढ़ाई के ऊपर रख दिया है, ताकि इसमें जो कढ़ाई की भाप बनेगी तो इसमें स्टीम लगती जाएगी, क्योंकि मेरे पास स्टीमर तो है नहीं है। तो मैंने कढ़ाई में ही रख दिया है चलनी को, और ऊपर से चलनी को ढक दिया है थाली से। और यहाँ पर मैं 2 जीरा निकाल लिया है मैंने, तो साथ ही साथ जीरा भून लेंगे इस साइड वाले चूल्हे में। और ये वाला नींबू का अचार मैं रमा दीदी की स्टाइल में बना रही हूँ, क्योंकि एक बार उन्होंने इसी तरीके से बनाया था। कोशिश तो वैसा ही बनाने की कर रही हूँ, पर पता नहीं है बनेगा भी कि नहीं। उनका तो बहुत टेस्टी बना था। और यहाँ पर साथ ही साथ जीरा भुन गया है। और ये ना, मैं ये कह रही थी कि पहले उखली ऐसे चलाते थे, जो उखली होती थी उसको ऐसे ही चलाते थे, एक हाथ से फिर एक हाथ से, क्योंकि वो बहुत भारी होती थी, थक जाते थे। और यहाँ पर मैंने खल्लड़ में वो पीस भी लिया है जीरा पाउडर, और दरदरा सा पीसा है। और यहाँ पर हमारे जो नींबू हैं उनमें स्टीम लग चुकी है, और उनका जो छिलका है वो मुलायम हो चुका है, तो बस इसको मैंने निकाल लिया है चलनी को। और इसमें डाल दिया है कढ़ाई में थोड़ा सा पानी, और उसमें डाल दी है चीनी, और बस इस चीनी को घुलने देंगे। जब ये चीनी घुल जाएगी तो फिर इसमें डाल देंगे जो जीरा पाउडर दरदरा करके पीसा था वो। और यहाँ पर मैंने काला नमक निकाल लिया है, काला नमक भी पड़ेगा। और यहाँ पर चीनी घुल चुकी है, तो ये जो मैंने जीरा पाउडर बनाया था वो डाल दिया है। और उसके डालने के बाद में इसमें अब नमक भी ऐड करेंगे, वाइट वाला और जो काला वाला नमक होता है वो। और इसमें मैंने डाल दी है मिर्च, लाल मिर्च, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च कलर के लिए। और ये डाल दिया है इसमें सफ़ेद वाला नमक, और फिर डाल दिया है मैंने काला नमक, क्योंकि काले नमक से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उनको भी अच्छे से मिला दिया है, और मिर्च तो मैं डाल ही चुकी हूँ, ऊपर से डाल दिया है मैंने थोड़ा सा गरम मसाला। और बस इन सब मसालों को उस चाशनी में अच्छे से मिला दिया है, और इसके बाद में हल्का सा ये पक जाएगा। चीनी तो घुली चुकी थी पहले ही, अब उसमें डाल दिए हैं जो स्टीम किए हुए रखे थे नींबू, उनको डाल दिया है, और बस चाशनी में अच्छे से मिला देंगे और थोड़ा देर इन्हें पकने देंगे, 4-5 मिनट तक। और बस उसके बाद में बन गया अचार। और ये मैंने कढ़ाई से कटोरे में निकाल दिया है, थोड़ा सा अभी कढ़ाई में बचा है। फिर भी मैं रमा दीदी की तरीके नहीं बना पाई कि वो देखने में भी सुंदर था और खाने में भी बहुत टेस्टी था,
पर ये उतना अच्छा नहीं बन पाया है मुझसे। कोशिश तो की थी मैंने पर दीदी के जैसा नहीं बना। और यहाँ पर कुछ लंच के बर्तन रखे हुए थे और कुछ ये अचार वगैरह के हो गए थे, कढ़ाई और ये स्टीम वगैरह के लिए जो चलनी वगैरह रखी थी ये सब। तो फिर मैं ये बर्तन धुल रही हूँ। उसके बाद में बनाई है मैंने चाय शाम की, और अभी इतनी ज़्यादा शाम नहीं हुई है, अभी 4 ही बजे हैं, पर मैंने आज जल्दी बना ली है चाय। और अब मैं जा रही हूँ, जो मैंने आज कपड़े धुल के डाले थे उनको उठाने जा रही हूँ, क्योंकि वो सूख चुके होंगे अब। तो यहाँ पर मैंने आज ये काफ़ी साड़ियाँ डली थी उनको धुला है, 3-4 साड़ियाँ थी, कुछ इनके कपड़े थे, तो ये सब सूख चुके हैं तो इनको उठा के रखा है, नहीं तो अगर भूल जाएंगे रात में तो ओस पड़ेगी ना, तो फिर से गीले हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं सारे कपड़े साथ ही साथ तय करके रख दे रही हूँ। और एक दिन ऐसा हुआ था कि मैं भूल गई थी कपड़े उठाना, क्योंकि जब मैं उठाने गई थी तब कपड़े थोड़ा गीले थे, तो मैंने कहा थोड़ा देर और पड़े रहेंगे, बाद में उठा लाऊंगी, तब तक थोड़ा सूख जाएंगे। लेकिन फिर दिमाग से बात निकल गई और सुबह देखा तो ओस से सारे कपड़े गीले हो चुके थे। और यहाँ पर मेरे सारे कपड़े तय होकर रख चुके हैं। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ शाम की संध्या बत्ती। और फ्रेंड्स यहाँ पर इनके चल रहे हैं सॉन्ग, और ये इसमें ना इस बल्ब के साथ में रिमोट भी आया था, तो इसमें कई सारे कलर हैं, कलरफुल है ये बल्ब, तो इसमें चेंज कर लो रिमोट से, तो ये वही कर रहे हैं, लाइट चेंज कर रहे हैं उसकी। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए रात के लिए। तो यहाँ पर मैंने सब्जी वगैरह काट कर रख ली है, आलू टमाटर की सब्जी बना रही हूँ, तो बस सब्जी बना लें उसके बाद में फिर रोटियाँ सेकूँ। और सूखी सब्जी नहीं बना रही हूँ, वैसे तो मैं सूखी ही बनाती, पर ये कह रहे हैं कि रसा वाली बनाना, तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है और उस वाले चूल्हे में रख दिया है कढ़ाई को, तो सब्जी भी पकती रहेगी। और मैं लगा लिया है आटा, तो यहाँ पर एक साइड रोटियाँ भी सेंक के ले रहे हैं, तो साथ ही साथ सब्जी भी पक जाएगी, उसके साथ में रोटियाँ भी सिक जाएंगी। और हमारी सब्जी पक चुकी है, तो मैंने उसमें डाल दी है धनिया की पत्ती, और दोनों काम साथ में हो गए। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ खाना। तो फ्रेंड्स खाना लग चुका है, तो आप लोग भी आ जाइएगा और खाना खा लीजिएगा, हम लोग भी जा रहे हैं खाना खाने के लिए। आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और हाँ, अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग आप तक डेली डेली यूं ही पहुंचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।